जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक, इसका नाम है Redmi 10 Prime, इसका नाम है Redmi Note 10 Pro और आप देखना शुरू कर चुके हैं AR अनबॉक्स। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं इन दोनों फोन के बीच में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन। हम सबसे पहले करेंगे दोनों का बूट टेस्ट, देन हम करेंगे एप्लीकेशन ओपनिंग टेस्ट, साथ ही साथ सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट करके हम नोटिस करेंगे कि सबसे ज्यादा दोनों फोन में किसमें इंटरनेट स्पीड आती है, और साथ ही साथ दोस्तों लास्ट में हम रैम मैनेजमेंट टेस्ट भी करने वाले हैं और हम वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी करेंगे। सो गाइस वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल है, आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को आरंभ करते हैं। स्पीड टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको दोनों फोन्स की कुछ डिटेल्स बता देता हूं। सबसे पहले आपको डिस्प्ले में डिफरेंस नोटिस हो रहा होगा, बट दोस्तों एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूं कि दोनों फोन्स की ब्राइटनेस फुल है, ऑटोमेटिक ब्राइटनेस दोनों में ऑफ है। बट यहां पे आपको Redmi 10 Prime में 400 nits की ब्राइटनेस मिलती है, Redmi Note 10 Pro में आपको 1200 nits की ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही साथ इसमें IPS और इसमें सुपर AMOLED डिस्प्ले होने की वजह से आपको ये डिस्प्ले नोटिस होने वाला है। बाकी मैं बात करता हूं Redmi 10 Prime के कुछ और डिटेल्स की। इसमें आपको MediaTek का Helio G88 जो कि लेटेस्ट प्रोसेसर है मिलता है। हमारे पास Redmi 10 Prime का जो वेरिएंट है दोस्तों वो है 4GB 64GB। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें रन कर रहा है लेटेस्ट MIUI 12.5.2.0। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि Redmi 10 Prime में रैम एक्सपेंशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप 1GB रैम को एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, बट मैंने इसको यहां से डिसेबल किया हुआ है। वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं Redmi Note 10 Pro के कुछ डिटेल्स की, तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 732G प्रोसेसर मिलता है जो कि एक गेमिंग प्रोसेसर है। साथ ही साथ हमारे पास जो वेरिएंट है दोस्तों वो है 6GB 64GB। सॉफ्टवेयर की बात करें तो इसमें रन कर रहा है लेटेस्ट MIUI 12.5.8.0। बाकी Redmi Note 10 Pro में आपको रैम एक्सपेंशन का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है। दोस्तों हमने दोनों फोन्स में सेम वॉलपेपर लगा रखा है, बाकी हमारे दोनों फोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्ट हैं, दोनों फोन लाइट मोड में है, बाकी यहाँ पे दोनों फोन्स में लोकेशन ऑन है। स्पीड टेस्ट के लिए हमने यहाँ पे 12 एप्लीकेशन सेलेक्ट किए हुए हैं, सारे 12 के 12 जितने भी एप्लीकेशन है वो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर पे रन कर रहे हैं। सो गाइज अब हम अपना सबसे पहला टेस्ट स्टार्ट करते हैं जो कि है बूट टेस्ट। यहाँ पे आपको दोनों फोन में सेम UI मिलने की वजह से आपको सेम ऑप्शन मिलते हैं रिबूट के, तो अब हम यहाँ से दोनों फोन्स को एक साथ रिबूट करते हैं। सो गाइस अभी आप लोग नोटिस कर सकते हैं कि हमारा Redmi 10 Prime इस टेस्ट में क्लियर विनर होके आ जाता है। अप्रॉक्स 20 सेकंड पहले ही Redmi 10 Prime ओपन हो जाता है, देन ओपन होता है Redmi Note 10 Pro। एप्लीकेशन ओपनिंग टेस्ट स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बार और दिखा देता हूं, बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है। साथ ही साथ हमारा दोनों फोन जो है वो सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो आप लोग यहां से देख सकते हैं। बाकी यहां पे मैं आपको बताया जैसे ऑलरेडी कि यहां पे लोकेशन भी दोनों फोन में ऑन है। तो दोस्तों अब हम यहां से सबसे पहला अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो कि है स्पीड टेस्ट बाय ओकला। यहां पे हम एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड भी चेक करेंगे, साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि दोनों फोन में सबसे ज्यादा कौन से फोन में स्पीड आती है। तो दोस्तों सबसे पहले हम एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि Redmi 10 Prime में सबसे पहले ओपन होता है यहाँ पे स्पीड टेस्ट बाय ओकला। बाकी अब हम यहाँ से सबसे पहले दोनों फोन्स की इंटरनेट स्पीड चेक करते हैं जो कि दोनों फोन से वाईफाई से कनेक्टेड हैं। सो गाइज अगर हम बात करते हैं इंटरनेट स्पीड की, तो Redmi 10 Prime में जो स्पीड आई हुई है 13.5 MB डाउनलोडिंग स्पीड और 23.4 MB अपलोडिंग स्पीड। वहीं पे मैं बात करता हूं दोस्तों Redmi Note 10 Pro में, यहां पे 28.5 स्पीड आई है डाउनलोडिंग और 21.4 MBPS स्पीड आ रही है अपलोडिंग की। बाकी दोस्तों अब हम दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो कि ये दोनों फोन का डिफॉल्ट कैमरा ऐप। देन दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे कि आई थिंक दोनों में एकदम साथ ओपन हुए हैं। बाकी यहाँ पे आप पॉइंट्स पे देख लेंगे जब मैं एडिटिंग में ये ध्यान दूंगा कि सबसे पहले कौन से फोन में ओपन हुआ है। तो गाइज अब हम अपना नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं जो कि है गूगल क्रोम। देन आप नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro में सबसे पहले ओपन होता है, बस उसके जस्ट कुछ ही सेकंड बाद Redmi 10 Prime में भी ओपन हो जाता है। बाकी रैम मैनेजमेंट चेक करने के लिए दोस्तों हम यहाँ से यूट्यूब ओपन कर देते हैं दोनों फोन्स में। हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है दोस्तों BGMI, तो हम इसको भी ओपन करके चेक करते हैं कि दोनों फोन्स में सबसे पहले किस में ओपन होता है। देन दोस्तों आप नोटिस करेंगे आई थिंक Redmi 10 Prime में सबसे पहले एप्लीकेशन ओपन हुआ, बट हम वेट करते हैं फाइनल जो हमारा मेन गेम की होम स्क्रीन है वो सबसे पहले कौन से फोन में आपको नोटिस होती है। सो गाइज BGMI गेम की जो सबसे मेन फाइनल होम स्क्रीन है वो Redmi Note 10 Pro में पहले ओपन होती है, उसके बाद ओपन होता है Redmi 10 Prime में। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों हम ओपन करने वाले हैं YouTube। YouTube भी दोस्तों सबसे पहले लोड होता है Redmi 10 Prime में, उसके बाद लोड होता है फाइनल उसकी जो होम स्क्रीन है Redmi Note 10 Pro में। नेक्स्ट हमारा एप्लीकेशन है Google Play Store।
गूगल प्ले स्टोर दोस्तों आई थिंक दोनों में एक साथ ओपन होता है। बाकी यहाँ पे रैम मैनेजमेंट चेक करने के लिए दोनों में से हम कोई एक एप्लीकेशन ओपन कर देते हैं जो कि है फेसबुक। यहाँ से दोनों फोन में हम फेसबुक ओपन कर देते हैं, बाकी यहाँ से हम बाद में रैम मैनेजमेंट चेक करेंगे। देन हम नोटिस करेंगे कि कौन से फोन में फेसबुक बैकग्राउंड में रन कर रहा है ये प्ले स्टोर, कौन से फोन में नहीं कर रहा है। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों हम ओपन करने वाले हैं प्राइम वीडियो। प्राइम वीडियो भी दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे कि सबसे पहले ओपन होता है Redmi 10 Prime में, उसके बाद ओपन होता है Redmi Note 10 Pro में। तो यार रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शॉकिंग है क्योंकि एक 17,000 का फोन, एक 12,500 का फोन, बट आप लोग रिजल्ट देख सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे हम बेल बॉटम मूवी का होम पेज ओपन कर देते हैं दोनों फोन में, ताकि बाद में हम जब रैम मैनेजमेंट चेक करें देन हम नोटिस करें कि कौन से फोन में बैकग्राउंड में एप्लीकेशन है, कौन से फोन में रिमूव हो चुका है। नेक्स्ट एप्लीकेशन हम ओपन करने वाले हैं Flipkart। फ्लिपकार्ट भी दोस्तों सबसे पहले आप लोग नोटिस करेंगे कि Redmi 10 Prime में ओपन होता है, उसके बाद ओपन होता है Redmi Note 10 Pro में। बाकी रैम मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे सेम एक पेज ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों हम ओपन करने वाले हैं Amazon। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं Amazon सबसे पहले ओपन होता है Redmi Note 10 Pro में, उसके बाद ओपन होता है Redmi 10 Prime में। बाकी यहाँ पे भी हमने सेम एक पेज ओपन कर दिया है रैम मैनेजमेंट टेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन ओपन करने वाले हैं दोस्तों Instagram। बाकी हम बता दें कि Instagram में दोनों फोन में सेम आईडी लॉगिन है। आप दोस्तों नोटिस करेंगे कि Instagram भी सबसे पहले ओपन होता है Redmi Note 10 Pro में, उसके बाद ओपन होता है Redmi 10 Prime में। बाकी हमने यहाँ पे अपनी मेन प्रोफाइल ओपन कर ली है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक हमको Instagram पे फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन दोस्तों हम ओपन करने वाले हैं जो कि है KineMaster। इसमें हम एप्लीकेशन की ओपनिंग स्पीड भी टेस्ट करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा वीडियो एक्सपोर्ट के लिए आपको दोनों फोन में सबसे ज्यादा हायर रेजुलेशन किसमें मिलती है, और साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोनों फोन में KineMaster एक साथ ओपन करते हैं। देन दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले Redmi Note 10 Pro में ओपन होता है, देन ओपन होता है Redmi 10 Prime में। बाकी हम यहां से दोनों फोन्स में एक सेम वीडियो ऐड करते हैं। दोस्तों हमने दोनों फोन्स में सेम वीडियो सिलेक्ट कर ली है, बट अगर आप देखेंगे वीडियो रेजुलेशन अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो Redmi Note 10 Pro में आपको 4K तक का ऑप्शन मिल जाता है, वहीं पे Redmi 10 Prime में आपको 1080p 30fps का ही ऑप्शन मिलता है। सो हम यहां पे जो वीडियो एक्सपोर्ट करेंगे दोनों फोन्स में सेम है, तो 1080p 30fps में ही करने वाले हैं। बाकी यहां पे वीडियो की क्वालिटी हमने दोनों में हाई सिलेक्ट कर दी है। सो दोस्तों अब हम यहां से सेव वीडियो पे टैप करते हैं, उसके बाद एक प्रीमियम का ऑप्शन आता है, वहां से स्किप करेंगे, देन हमारा वीडियो रेंडरिंग टेस्ट स्टार्ट होगा। सो गाइस अगर हम बात करते हैं वीडियो रेंडरिंग टेस्ट स्पीड की, यार दोनों फोन्स एकदम क्लोज थे, Redmi 10 Prime का काफी अच्छा परफॉर्मेंस था और बिल्कुल माइनूट सेकंड से Redmi Note 10 Pro से पीछे रह गया। सो दोस्तों अब हमारा लास्ट एप्लीकेशन है फेसबुक। दोनों फोन्स में फेसबुक में हमारी सेम आईडी लॉगिन है, तो हम इसको भी ओपन करके चेक कर लेते हैं। देन दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि फेसबुक Redmi 10 Prime में सबसे पहले ओपन होता है, उसके बाद ओपन होता है Redmi Note 10 Pro में। दोस्तों अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशन ओपनिंग स्पीड की, तो यहाँ पे आई थिंक Redmi 10 Prime में ज्यादा एप्लीकेशन सबसे पहले ओपन होते हैं कंपेयर टू Redmi Note 10 Pro। अब हम टेस्ट करते हैं रैम मैनेजमेंट। सो गाइस जब हम एक एक करके सारे एप्लीकेशन ओपन करते हैं, वहीं पर दोस्तों अगर हम बात करते हैं सबसे पहले एप्लीकेशन स्पीड टेस्ट की, देन आप नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro में ये रैम में था, बाकी Redmi 10 Prime में ये क्लोज हो चुका था। बट हम दोस्तों दूसरा एप्लीकेशन ओपन करते हैं Google Chrome। इसमें भी दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro में ये एप्लीकेशन रैम में था, बाकी यहाँ पे Redmi 10 Prime में ये क्लोज हो चुका था, फिर से रीलोड हुआ। बाकी नेक्स्ट एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं दोस्तों यहाँ पे BGMI। देन दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि BGMI भी Redmi Note 10 Pro में बैकग्राउंड में रन कर रहा था, वहीं पर Redmi Note 10 Pro में ये क्लोज हो चुका था। बाकी दोस्तों हम नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं YouTube। दोस्तों दोनों फोन्स में बैकग्राउंड में थे, बाकी मैं आपको बता देता हूं नेक्स्ट एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं Google Play Store। तो दोस्तों Google Play Store भी दोनों फोन्स में बैकग्राउंड में थे, बाकी अब हम नेक्स्ट अपना एप्लीकेशन ओपन करते हैं Prime Video। प्राइम वीडियो भी दोस्तों Redmi Note 10 Pro में तुरंत ओपन हो जाता है और Redmi 10 Prime में थोड़ा सा रीलोड होता है। बाकी नेक्स्ट हम ओपन करते हैं Flipkart। Flipkart दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro में बैकग्राउंड में था, बट Redmi 10 Prime में थोड़ा सा रीलोड लेता है, देन सेम पेज ओपन होता है। नेक्स्ट हम ओपन करने वाले हैं Amazon। Amazon नोटिस करेंगे दोस्तों आपकी Redmi Note 10 Pro में बैकग्राउंड में रन कर रहा है, वहीं पे Redmi 10 Prime में रीलोड लिया। बाकी नेक्स्ट हम ओपन करते हैं Instagram। Instagram भी दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro में बैकग्राउंड में है, बाकी Redmi 10 Prime में यहाँ से रीलोड लेता है। बाकी हम अपना लास्ट एप्लीकेशन ओपन करते हैं Facebook।
फेसबुक भी दोस्तों आप लोग नोटिस करेंगे कि Redmi Note 10 Pro में बैकग्राउंड में था, बाकी Redmi 10 Prime में ये रीलोड लेता है। सो दोस्तों अगर हम बात करते हैं रैम मैनेजमेंट कंक्लूजन की, देन आप लोगों ने नोटिस किया कि मैक्सिमम एप्लीकेशन Redmi Note 10 Pro में बैकग्राउंड में रन कर रहे थे और एक ही या दो ऐसे एप्लीकेशन थे जो Redmi 10 Prime में बैकग्राउंड में थे। मेन डिफरेंस आपको इस वजह से भी नोटिस हुआ क्योंकि इसमें आपको 6GB का वेरियंट है, ये है 4GB का वेरियंट। लेकिन 4GB के वेरियंट के अकॉर्डिंग दोस्तों 12 में से कम 6-7 एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन करने चाहिए थे, बट Redmi 10 Prime में ऐसा भी नहीं हुआ। तो मे भी हो सकता है कि इसका जो रैम मैनेजमेंट है कंपेयर टू Redmi Note 10 Pro इसका ज्यादा बेटर है। बाकी दोस्तों अगर हम बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की, तो यार एप्लीकेशन ओपनिंग टेस्ट और बूट टेस्ट में Redmi 10 Prime एकदम क्लियर विनर निकल के आ जाता है, वहीं पे रैम मैनेजमेंट टेस्ट और वीडियो रेंडरिंग टेस्ट में Redmi Note 10 Pro विनर होता है। दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, जय हिंद।